पिछले वीडियो जो था उसमें हमने स्वतः विखंडन की शर्त पढ़ी थी, और स्वतः विखंडन की जो शर्त थी वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको। तो जेड स्क्वायर अपॉन ए जो था उसका मान हमारे को प्राप्त हुआ था, जेड स्क्वायर अपॉन ए जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्राप्त हुआ था, जेड स्क्वायर अपॉन ए। देखिए जेड स्क्वायर अपॉन ए जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 15 यानी 15 हमारे को प्राप्त हुआ था। और फिर हमने यूरेनियम 238 के विखंडन के लिए कैलकुलेशन की तो हमारे को ये पता चला कि यूरेनियम 238 के लिए जो जेड स्क्वायर अपॉन ए है उसका मान 38 प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी यूरेनियम 238 जो है 238 के लिए जेड स्क्वायर अपॉन ए का मान 35.4 प्राप्त हुआ था, 35 के आसपास प्राप्त हुआ था, लेकिन जो कि हम ये कह सकते हैं कि 15 से ज्यादा था। लेकिन यूरेनियम 238 जो था उसकी जो अर्धायु थी वह 10 की पावर 16 वर्ष थी। तब हमने ये कहा था कि निश्चित रूप से यह जो मान है जेड स्क्वायर अपॉन ए का वह 15 जो 35 जो प्राप्त हुआ था उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जो मान 35 प्राप्त हुआ था उससे बहुत ज्यादा प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि स्वतः विखंडन को अवरोध कौन कर रहा है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कहती है कि 15 होना चाहिए। यूरेनियम 238 जो स्वतः विखंडित नहीं होता है उसके लिए 35 मान प्राप्त हुआ था। तो ऐसा कोई ना कोई इलेमेंट या कोई ना कोई प्रक्रिया जरूर है नाभिक के अंदर जिसके द्वारा वह स्वतः विखंडन नहीं हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि स्वतः विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको अवरोधित करने वाला घटक नाभिक के विभवरोधिका की अवधारणा को रूप माना जाता है, यानी कि नाभिक के विभवरोधिका पोटेंशियल बैरियर है एक, जो कि स्वतः विखंडित हो नहीं होने देता है नाभिक को। तो अब इस नाभिकीय विखंडन के लिए, स्वतः विखंडन के लिए जो अवरोधिका है उसको समझने के लिए हम ये कहते हैं कि हम इसको व्युत्क्रम रूप से बात करते हैं, व्युत्क्रमित्ता के रूप में बात करते हैं कि दो 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 उत्पाद नाभिक है, दो सममित उत्पाद नाभिक थे, वो दोनों जिनके द्रव्यमान संख्या ए बाई टू और परमाणु क्रमांक जेड बाई टू माना गया था एक दूसरे से दूर है, और दूर होने के बाद निकट आते हैं और एक संयुक्त नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी कि सममित गोलीय आकार के नाभिक का निर्माण करते हैं। ऐसा करने पर कूलॉम के नियमानुसार दोनों के मध्य प्रतिकर्षण ऊर्जा जो थी ईसी, उसका मान ईसी इक्वल टू के जेड ई बाई टू जेड ई बाई टू अपॉन आर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर होता है, तो ये क्यू वन हो गया जेड ई बाई टू और ये जेड ई बाई टू, क्योंकि जेड बाई टू क्या है उसमें प्रोटोन है। तो अब वो जैसे जैसे नजदीक आएंगे, जैसे जैसे आर का मान कम होगा, तो आर का मान कम होगा तो ये जो प्रतिकर्षण की स्थिति ऊर्जा थी इसी, इसका मान बढ़ता जाएगा, यानी कि इसी का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आर जो है यहां से कम होता जाएगा, इधर कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो है इसी का मान में वृद्धि होती जाती है। ये मैं कह रहा हूं प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा, और यहाँ पर मैंने क्या कहा ये आर है। तो पर आर के मान में कमी होने के बाद में प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है। अब देखिए ये आर का मान यहाँ पर ज्यादा था तो यहाँ पर प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा का मान कम है। जैसे जैसे ये आर दोनों नाभिक जो है, ये जो दोनों नाभिक थे वो देखिए यहाँ पर पहले दूर दूर है, यहाँ पर फिर नजदीक हो गए, यहाँ पर दोनों जो है लगभग दोनों का जो सरफेस है वो टच कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो नाभिक जब नजदीक आ रहे हैं तो उनके मध्य देखिए प्रतिकर्षण स्थिति ऊर्जा का मान इस समय जब वो सरफेस पे टच करते हैं तो स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दो सममित नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु की संख्या सॉरी द्रव्यमान संख्या तथा द्रव्यमान समान है, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दोनों ही समान है, वो जब सरफेस पे जस्ट टच करते हैं उस समय उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। तो नाभिकीय विखंडन के लिए विभवरोधिका के द्वारा हम ये
देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे दो नाभिक नजदीक आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का मान में वृद्धि होती जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होगी। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक संयुक्त नाभिक था और ये जब यहाँ पर दो अलग अलग नाभिकों में विखंडित हो रहा है तो इसके लिए विखंड ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए। अब जैसा कि इसकी कैलकुलेशन अब हम ज्ञात कैलकुलेशन के द्वारा हम ज्ञात करते हैं, जब आर इक्वल टू 2 आर पर जस्ट टच करने लगते हैं तो इनके मध्य आकर्षण नाभिक बल लगने लगता है और परिणाम पे स्थितिज ऊर्जा कूलोम ऊर्जा से कम हो जाती है। यानी कि कूलोम ऊर्जा हमने कैलकुलेट की थी उसका मान ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर वापस बताना चाहूँ, ये जो सॉलिड लाइन है यह आपकी कूलोम ऊर्जा को व्यक्त करती है और ये जो डॉटेड लाइन है यह जो है स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करती है। तो विखंडन उत्पाद के मध्य स्थितिज ऊर्जा की दूरी के साथ परिवर्तन को हमने देखा और अब हम कैलकुलेशन के द्वारा हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कूलोम प्राचीर यानी कि जो हमने बात करी थी विभव प्राचीर की उसका मान कितना होता है। तो जो हमने समीकरण नंबर जो प्राप्त किया था कूलोम ऊर्जा के लिए उसमें यदि हम मान रखते हैं तो 0.156 Z² / 1/3 ये मान हमारे को प्राप्त होता है कूलोम ऊर्जा के लिए। और यूरेनियम 238 के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं तो ये वही मान यदि हम प्राप्त करते हैं उसी वही वैल्यू यदि हम रखते हैं तो कूलोम ऊर्जा का मान 210 MeV प्राप्त होता है। तो जस्ट टच करने की स्थिति में विभव प्राचीर की ऊंचाई यह जो कूलोम ऊर्जा हमने जो निकाली स्थितिज ऊर्जा जो हमने निकाली ये विभव प्राचीर की ऊंचाई कहलाती है। अतः इस ऊर्जा इसी से अधिक मान होने पर ही स्वतः विखंडन संभव हो सकता है अदरवाइज नहीं होता है। तो EF यानी कि फ्री होने वाली ऊर्जा का मान इस कूलोम ऊर्जा से अधिक होना चाहिए। तो EF - EC > = क्या होगा 0 होगा। तो यह देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन के द्वारा ये मान रखते हैं तो हमारे को ये मान प्राप्त होता है। कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख सकते हैं और लिख के फिर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से Z² / A जो था जो स्वतः विखंडन के लिए 15 प्राप्त हुआ था, यूरेनियम 238 के लिए कितना प्राप्त हुआ था 35 के आसपास प्राप्त हुआ था और सीमांत मान मैंने कहा था कि 44 प्राप्त होता था। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें Z² / A का सीमांत मान 44 प्राप्त हुआ था जो इसमें मैंने ये बताया था आपको कि Z² / A का मान 44 से यदि कम है तो वह नाभिक स्वतः विखंडित नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से फ्री होने वाली ऊर्जा की कैलकुलेशन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि Z² / A का मान 53 से ज्यादा होना चाहिए, 53 से ज्यादा होना चाहिए। यह प्रतिबंध नाभिक के स्थायित्व की सीमा बताता है। नाभिक की वास्तविक सीमा 44 जो प्राप्त हुई थी उससे अधिक है। इस विसंगति को क्वांटम यांत्रिकी सुरंग प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि Z² / A का मान 53 प्राप्त होना चाहिए जबकि सीमांत मान 44 प्राप्त हुआ था। तो क्वांटम मैकेनिक टनल इफेक्ट यानी कि कम ऊर्जा होते हुए भी जो नाभिक में से जो पार्टिकल हैं वो निकल सकते हैं तो उसको हम टनल इफेक्ट कहते हैं। क्वांटम मैकेनिकल टनल इफेक्ट यह सुरंग प्रभाव है जिसमें हम ये कहते हैं कि एक जैसे अल्फा कण के बारे में यदि बताऊं तो अल्फा कण की ऊर्जा यदि कम है विभव प्राचीर से फिर भी वो उस प्राचीर से निकल जाता है। तो चूंकि उसकी ऊर्जा कम है तो वो उसकी ऊर्जा कम होने के कारण से उस प्राचीर को पार नहीं कर पाता है और वह उस प्राचीर के अंदर से ही निकलता है। इसको क्वांटम मैकेनिकल सुरंग प्रभाव कहते हैं। और यहाँ पर आगे आप पढ़ सकते हो कि द्रव्य बूंद मॉडल जो था उससे उसके दोलन के प्रभाव का प्रयोग कर हम Z² / A जो था उसकी 44 जो प्राप्त हुआ था द्रव्य बूंद मॉडल के लिए प्राप्त की गई थी यह है। तो इस प्रकार से हम जो स्वतः विखंडन और जो विभव रोधिका है उनको समझ सकते हैं।